देश में 29 मार्च से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, वहीं बीते शुक्रवार को राज्य के सोनमर्ग के हंग इलाके में एवलांच हुआ। इससे दो कारें बर्फ में फंस गई। कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी कराया गया। हालांकि एवलांच से श्रीनगर ले हाईवे बंद हो गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 30 मार्च को भी भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है। वहीं 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम में बादल छाए रहेंगे। इन राज्यों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कुछ राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। सबसे ज्यादा गर्मी आपको बता दें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 5 शहरों में है। महाराष्ट्र के अकोला में 29 मार्च को 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद मध्य प्रदेश का दमोह और गुना दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। तापमान के मामले में आंध्र प्रदेश का नंदयाल चौथे और महाराष्ट्र का परभणी 5वें नंबर पर रहा। इन सभी शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया।